और वैसे तो पहाड़ी रेस्टोरेंट का खाना खा के इतने दिन से हम लोगों का वो हो गया क्या यहाँ पे देखो तो फिर से मन नहीं भरा ऐसे वो हो जी गया जी नहीं, तो मन भरा नहीं भरा खिला खिला के देखो फिर वही तो यार कितना सारा जी ने कहा तुम रास्ते से क्या लोगे आइए भी हमको अपने बच्चों की तरह छोटे बच्चों की तरह की हम कुरकुरे वगैरह वैसे भी नहीं खाते रहे वो तो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे तुम ये मत समझो छोटा बच्चा हो जाएगा की बट हमें कुरकुरा नहीं हो रहा है मैंने तो कुरकुरे कल भाई मैंने भी कल इतने टाइम में खाए होंगे ना हम नहीं खाते हैं सच में अब तुम दे रहे हो तो दे दो हम नहीं खाते पर दे रहे हो तो दे दो खाते तो नहीं है पर चलो नहीं खाते नहीं है खाते नहीं है अभी अभी हम लोग जस्ट साथ में कमेंट पढ़ रहे थे ना किसी ने कमेंट किया कि तुम्हारी तुमने अपनी बहन कितनी दूर दे रखी अरे वो दूर नहीं है हम लोग दूर जा रखे हैं अब जब हम लोग पहले यहाँ रुद्रप्रयाग में रहते थे रुद्रप्रयाग से चमोली कितना है थोड़ा सा तो जब शादी हुई थी घंटे का रास्ता है ज्यादा नहीं हाँ इतना तो इतने तो शादी होती है देहरादून से उनको दूर लगता होगा ना कि तुम देहरादून में हो देहरादून तो हम लोग अब जा रहे हैं पापा के चक्कर में शिफ्ट हो गए हैं हम लोग वरना तो ये रुद्रप्रयाग चमोली पास में ही है हाँ चलो बाय बाय ये चलो गाइस कर दिए हाथ पे हाँ दे दो ये वाला बैग भी दे दो इनके पास ये दे अरे तो कहाँ पे आता है जाना ही मैं खाली ठीक है बाय चलो बाय 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 तो फिर अभी हम लोग पहुंच गए हैं इसी गाड़ी में हम लोग आए थे तो ये गाड़ी जा रही है मार्केट की तरफ से क्योंकि ये बीच वाले वन वे हैं इसमें जा नहीं सकते हैं तो हम लोग आए हैं इस रास्ते से और आज हम जाने वाले हैं रुद्रप्रयाग की तरफ यानी सुमेरपुर में रहेंगे तो यहाँ पे लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन कि यहाँ से रुद्रप्रयाग 31 किलोमीटर है तो सुमेरपुर फिर यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर पीछे ही होगा ना हाँ हाँ 24-25 किलोमीटर मौसम खराब होने लग गया है कल मतलब आजकल हर दिन भर ना मतलब बूंदाबांदी से होने लग जा रही है शाम के टाइम में ऐसे हो रहा है मौसम हाँ यो स्वेटर अब बारिश लगी थी जिस स्वेटर की फिर ठंडा होगा फिर ये पहनेगी कुछ देर फिर मैं पहनूंगी ये इस तरह से मिक्स हो रही है गाड़ियां कोई ये रुद्रप्रयाग की तरफ से आ रही हैं वो जो बीच वाली जा रही है उनको मेन मार्केट में जाना है इनको बद्रीनाथ रोड की तरफ जाना है और वो ऊपर सीधे वन वे है ऊपर ही ऊपर निकल जाएंगे मार्केट से अच्छा प्रणाम प्रणाम लव यू तीन बोला आई लव यू नहीं बोला आई लव यू ये कह रहे ऐसे बोल मैंने कहा यार मैंने ऐसे नहीं बोल दिया अच्छा सुना नहीं बात क्या कहा आपने ये कह रहे मेरे को कि आप बोलोगे आई लव यू अब मैंने कहा मैं ऐसा नहीं बोलूंगी वैसे प्यार करते हमारा तो लड़का है वो हाँ लड़के और क्या हमारे तो लड़के के समान है और क्या तो अपने अपने बच्चों को लोग दिल से प्यार करते हैं है ओके ओके लव यू टू आई लव यू टू आज हम लोग हैं सुमेरपुर में और यहाँ की मेरी काफी पुरानी यादें हैं मतलब बचपन में काफी स्कूल से आना जाना होता था तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मामा लोगों के घर पे एक मामा मेरे यहाँ पे रहते हैं बाकी सारे मामा मेरे उधर साइड रहते हैं अच्छा। तो फिर हम सबको मिलने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे अच्छा ये है ठीक था का नाम ठीक है माधुरी तो फिर अभी हम लोग हैं सुमेरपुर में यहाँ पे भी एक स्टेशन बनने वाला है परसों हम जिस सिवई गाँव में थे ना हाँ वो लास्ट है ना इसके बाद वो आखिरी स्टेशन है अगर आप अगर आप वहाँ से आते हैं ऋषिकेश से तो आप जो 11वां स्टेशन आता है वो ये वाला है सुमेरपुर वाला और उसके बाद है लास्ट सिवई गांव में यानी कर्णप्रयाग में कहाँ लेके जा रहे हैं हमें घुमाने पुराना पहले वाला घर है हमारा ना यहाँ तो नया बना रखा है लड़के हाँ जहाँ मैं पहले उस समय शादी में आई थी की आई थी मोनिका उधर हमारा घर है दोनों लड़कों का अच्छा तीन लड़के हैं उधर हमारे अच्छा जिस मोनिका की बात हो रही है वो मैं ही हूँ मैं बहुत छोटे में आई थी और इन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी थी और किसने पहचाना था मुझे इसने पहचाना था बोल रही यार ये क्यों आएगी वहाँ फिर मैंने अंजलि को देखा मैंने कहा भाई यही तो है वो हम लोग हमने ध्यान से देखा तब पहचाना हम लोग बहुत बचपन में आए हुए थे तो यहाँ पे काफी सारे होटल हैं और दादी बता रही हैं कि उनके जो तीन लड़के हैं उन सबके होटल हैं यहाँ पे
होटल है ना ये एक लोग होटल तो ये है इधर हाँ। बड़े वाले लड़के का हाँ, एक पीछे रह गया ये पेट्रोल पंप पर रहता है हाँ। रेल का काम करता है हाँ। ये तो सचिन होटल है सामने अच्छा ये सचिन होटल है अच्छा तो दादी बता रही है कि चाचा जी का एक होटल ये वाला है हाँ। होटल आराधना हमारे बड़े लड़के का अच्छा तो सबसे बड़े लड़के का ये वाला होटल है। और रोड के किनारे आप ये देख रहे होंगे ये हरे हरे कपड़े रखे हुए हैं ये एक जाल है ये घर वालों को मिल रखे हैं कि आपको रेल की वजह से जो भी धूल मिट्टी ये प्रॉब्लम होगी तो उन सबके घरों के आगे इस तरह की व्यवस्था की गई है। ऊपर काफी बड़ा इलाका रेलवे का है यहाँ पे पूरा स्टेशन बनने वाला है। पहले जब हम लोग यहाँ से आते गुजरते थे तब यहाँ पे काफी चेंज था अब जब से ये काम बनना शुरू हुआ तब से काफी चेंज हो गया है। ऊपर के गांव के लोगों जिन जिन के घर कटिंग हुए हैं उन सबको मिल गया है अब नीचे की जमीन तो सब लोगों ने अब यहाँ पे घर बना रखे हैं। पहले सब ऊपर गांव में थे सब नीचे आ गए और सब समीरपुर चेंज हो गया किसी को सब पता नहीं चल रहा है कि कहाँ उतरना है कहाँ उतरना है हाँ वही तो हाँ मकान दिखाई नहीं दे रहे हैं रास्ते अलग अलग हो गए हैं सब कुछ बदल गया सब कुछ। ये सुना ये उनका घर है ना क्या नाम है उनका ये वो क्या नाम है उसका जहाँ हम शादी में आए थे हाँ वही तो कितना बदल गया यहाँ तो तुम्हारे थोड़े गाँव के अब हमारी बड़ी वाली हाँ इसीलिए तो अब सब बदल गया ना मुझे याद ही नहीं रहा। जब मैं पहले आई थी यहाँ पे तो उस समय यही है ना वहाँ तो क्या हुआ कि सामने से बिल्कुल रोड दिखती थी और ये आगे के घर नहीं थे इसमें खैर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई तो बिल्कुल यहाँ आगे से कुछ नहीं था अब यहाँ पे पूरे घर बन गए हैं चारों तरफ। वैसे तो यहाँ मोनिका की रिश्तेदारी थी लेकिन मैं सबको जानती हूँ सब हम लोग पहले हमारे एक ही तो गांव हाँ एक ही गांव है हमारा के पापा नाम क्या था प्रकाश सिलोड़ी तो पहाड़ों में ऐसी पहचान लगती है पापा का नाम बताना है सीधे रिश्ते निकल जाते हैं। वो दादी ही उन्हें चलो ठीक था वहाँ कब आ रहा है भाई परसी एक परसी एक अच्छा तो माँ पापा सब बुंदे हैं सब कच्ची चिंटी है बहन तीन बहनी चिंटी और बुला चाहे अच्छा अच्छा शादी कहीं गई वही तो जी हूँ बहनी वही हूँ अब तू क्या सेम ना सुनो मैं तुम तो बहुत देखी हूँ पर मैं ये नहीं पता कि तुम कम मतलब अच्छा मैं तो मैं इनको दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ पर मैं याद ही नहीं आ रहा था अच्छा छोटी वाली पहाड़ की नहीं छोटी हाँ 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 तब ऐसी होता ना कि मतलब देखे रहते हैं लेकिन ज्यादा पता नहीं चलता क्या मैं रवि भेजी बाजार में दुकान से होंगे हाँ ठीक ठीक तो इस तरह से जान पहचान लगी सब सब मेरे कहीं ना कहीं रिश्तेदार है। देखिए यहाँ यहाँ पे सब भैंसी भैंस है एक भैंस दो भैंस मैं तो कम से कल ही ये सारी भैंसे यहाँ पे खड़ी हैं। काली फोटो खींचने के लिए मैं फोटो ही खींच रही हूँ अरे मैं घास लाती नहीं हूँ मैं जहाँ जाती हूँ वहीं चर लेती हूँ क्योंकि हम दोनों हैं भैंस क्योंकि लोग इतने कमेंट कर रहे हैं इतने कमेंट भाई क्या बोले लोगों को पता नहीं दूसरों को जज करने की कितनी आई रहती है कितना टाइम है लोगों के पास है ना मैम है तो है भाई अब क्या कर सकते हैं उसमें मैं तो आज तक अपने आप को बहुत अच्छा समझती थी यार कोई बात नहीं लेकिन हमको दुख नहीं लगता ऐसी बातें बोल लो लेकिन कोई बात नहीं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें डिलीट करनी पड़ती है मतलब वल्गर बातें लिखते हैं कहीं ना कुछ तो हेट होती है कुछ नॉर्मल होती है कोई बात नहीं आपको हक है हमारी कमियां निकालने का आप लोग बोल सकते हैं कमियां निकाल लो यार ऐसा कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता हो सकता है हमें भी बहुत सारी गलतियां होंगी हमने कहीं पे कुछ गलत बोल दिया होगा वो आप लोग हमें बता सकते हैं लेकिन वल्गर बातें गंदी लगती है सुनने में देखने हमें डिलीट करना पड़ता है भाई हाँ भाई तो पर खैर कोई नहीं तो मेरी फोटो खींचा बोलने दे बोले तो यहाँ पे चल रही है गेहूं की कटाई और दीदी जी क्या बोल रही है अच्छा आप बहू है हाँ वो सासू जी है आप क्या बोल रही है कि दिक्कत हो रही है हाँ मोनिका को दिखाओ देखो ये एक जड़ नहीं आई देखो हाँ तो बहू रानी कह रही है कि दिक्कत हो रही है तो मोनिका अभी सिखा रही है कि कैसे काटनी है बहू रानी का लाए हुए यहाँ देखो तो अच्छा रानी की नहीं है वो सास के सास पल्ला झाड़ के मुंह पे लगा है वो सास भी सास अपने को गलत हूँ मैं हाँ वही क्योंकि सास भी कभी बहू थी गलत हूँ बोलेगी बहू गलत आप अपना दम कम भरा ठीक यहाँ दिखा मैं भी करूँ ट्राई किया एक जड़ नहीं निकली ठीक
कि आप तेरा सब और देखेंगे। मजाक मजाक में पूरा खेत का काम करवा के मारेंगे भाई। चल जा काट दाल दे, खुद आई मम्मी दे ले नहीं इधर चल जा चल जा। 300 जड़ निकली ये देखो ये है इसकी मोटर जो मैंने अभी आपको दिखाई, मेरी कैसी थी इसकी कैसी है क्योंकि ये है देहरादून वाली। अरे ये कट ये तो बहुत निकल रहे, जब जब तक मैं काटने लगा तब तक वो खड़ जा रहा है। मेरे पास भी वो इधर आती है वही गेहूं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना सगवर किसको है। आइए देखो आइए देखो अब बताओ है भाई सगवर है। ये है देहरादून वाली, मैं हूँ नारी वाली और तुम चोपड़ा वाले। बोल रहे हैं हम अपने दम खम पर रोना बल दिखे एकदम खम। मोनिका इन कॉर्नर क्यों उपाड़ा अपना दम खम सगो अर्दी खोला दम खम अम्मा के जोड़ू बोल यहाँ पे सेटिंग चल रही है। बताओ किसकी किसकी इस तेरे पापा के साथ खुद ही बोल रहे हाँ कैंटीन से सामान लेने के लिए बल हम चार पापा की हुई सेटिंग अपने दम खम जी यार अभी इनको पता नहीं है ना मेरी माँ कितनी खतरनाक है। तेरी मम्मी ने बोला लट्ठे मलो अपने दम खम हाँ बहुत खतरनाक ये रखें फोटो लगा लो साइड में फोटो इनको मेरे पापा की फोटो दिखाओ मामा सुनेंगे मामा को बहुत गुस्सा आएगा। हाँ वही तो अगर इसके पापा हीरो आएंगे तो यहाँ के मामा जी विलन बन जाएंगे। हाँ वही तो दिक्कत हो जाएगी। दादी मेरे को अंदर लेके आई है। वैसे तो दादी का इतना बड़ा घर है ना दादी कि आपके सारे बच्चों को हम इतनी इतने घरों में घूम गए एक कमरा एक कमरे में घुसे हैं हम लोग लेकिन इतना बड़ा घर है ना कि कहाँ कहाँ जाए। हाँ वही तो मामा इतने सारे हैं इतने इतने घर हैं कि क्या बताएं। अच्छा इसके नाना है ना तो मैं मायके की तरफ से हूँ तो दादा हाँ मेले दादा है नाना हाँ इसके नाना है। अच्छा क्या नाम था दादी? गोविंद सिंह अच्छा तो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष थे और 15 साल हो गए। अच्छा दो बार प्रधान रहे हो हाँ फिर तो मेरे घर वाले जानते होंगे ना। दो बार की तीन बार गाड़ी थी उनकी गाड़ी भी चलाते थे। अच्छा टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष थे। अच्छा छोटे छोटे हुआ करते थे ना हम लोग आते थे जब रुद्रप्रयाग से गाड़ी में बैठते थे सब लोग पहचान जाते थे कि नाना जी की नतिओण है तो कोई किराया नहीं। अच्छा हाँ हाँ तो दीदी हमारे लिए बना रही है क्या? दीदी चाय बना रही है। ए सुन ये तू सुन तू ज्यादा पढ़ाई है दीदी और हम एक ही गांव के हैं है? ज्यादा खास हम लोग हैं। ए लाइट खोल दो। अरे लाइट चले गई अचानक चले गई है लाइट तो नहीं तो दीदी यहाँ पे क्या बना रही है? दीदी बना रही है क्या बनाना है? हाँ हाँ वही तो जल्दी नहीं आई नहीं तो पकौड़ी बना दे कुछ भी बना दे हाँ। चाय समय रात हो गई। अरे कोई दिक्कत नहीं है चाय पिलाओ बस। चलो दी ठीक है चलो ठीक है ठीक है सबका अलग चल रहा है ठीक है बाय कर दो बाय 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 क्या तेरी बहन है ये सब हाँ सब सब हम एक ही गांव के हैं। ये मेरी पुपू हो गई तुम तो अच्छा सब पुपू हाँ आइए दीदी दीदी तो यहाँ पे है दूसरे मामा जी का घर। कौन से वाले वहाँ? अच्छा यहाँ पे नाना इसके नाना जी का घर। अच्छा इसके नाना का घर है। अच्छा तो हम लोग जा रहे हैं अभी दूसरे नाना के घर। ये होटल सुनो वो अलकनंदा होटल किसका है?
वो भी मेरे मामा लोगों का है। अच्छा ये तो यहाँ पे जितने सारे होटल है सब तुम्हारे मतलब इस लाइन पे पूरे आगे तक पेट्रोल पंप के अगल बगल सारे मतलब मामा लोगों के लॉज है। अच्छा कोई भी अगर आता है कोई भी आता है तो किसी भी होटल में रुक सकता है, सब अपने ही है। कुछ बोलो हमारे वीडियो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो हमारे गढ़वाल का हमारे इलाके का जनपद रुद्रप्रयाग का नाम बहुत आगे किया बेटा, मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ आपको इसी प्रकार से और जहाँ भी रहो आप फूलो फलो खूब हंसो खेलो बस। घर कहते हैं कि इसीलिए सुंदर बनता है जो उसमें पूरी मेहनत की जाए। तो अभी आपने नानद जी को देखा कैसे पानी डाल रहे थे यहाँ पे, तो नानद जी आप दिन भर मेहनत करते रहते हो क्या, इतना सुंदर बना रखा आपने। हमारी संस्कृति पिंडो अच्छा अरबी जैसे बहुत अरबी लगाई अभी अच्छा थोड़ी गेहूं अभी खत्म हो जा रही है तो निकाल दे हम अच्छा भिंडी वगैरह थोड़ा अपना खाना दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ लो नाना जी बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा देख सकते हो आप। हाँ पूरी पूरी मेहनत कर रहे थे यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक खाते हैं। हाँ ये है की उम्र भी होगी तो कभी कमर बड़ा हो जाएगी कुछ ये वजह से कम कम उन पर कर्ज हो तो हाँ, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग फिर भी फौज आदि भी हमारे हाथ तक दो बीच कुछ न कुछ करना रहना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और मैं सब तो ये बोलू ये प्रेरणा दे लू तकरीबन जो जो हम डर हम लोग अन्य और लोग खाली ना बैठो कुछ ना कुछ करूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई ना कि अमन भाई पैसा पर निर्भर जहाँ पैसे नहीं अपने खेत पर भी जरा ध्यान दिया हुआ। हाँ, भाई आखिर हमारे तो ये खेत में ये माटा माँ जन्म हुई ये माटा माँ चल जाने पर ये माटा था कुछ करी से चलो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कुछ देर के लिए हम लोग आए हुए हैं रेस्टोरेंट में और हम कभी भी रेस्टोरेंट में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं तीन अलग अलग चीजें मंगाते हैं ताकि सब कुछ टेस्ट कर पाए। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले चिप्स भी अलग अलग लिए हैं, एक टकाटक है एक चिप्स है एक लेज है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे अलकनंदा होटल की वो है मामा जी यहाँ पर, और जब कभी भी आप लोग यहाँ से गुजरे तो मामा जी के होटल में जरूर रुकें और चेहरा पहचान लेना अभी से हाँ कि संपर्क किससे करना है ना। मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी है। हाँ अच्छा जुलम है जलो हो जुलम है जलो जुलम है जलो अपने क्रश से शादी करके